दोस्तों, अमीर बनना है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए बेगर भगाए, क्योंकि जिंदगी में खुशी लाना है और सभी बीमारी मिटा देना है तो ये वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, कच्चा भोजन खाने से कौन बीमारी शरीर में उत्पन्न हो जाती है और सब पैसा जो है वो बीमारी में लग जाता है। दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर है कच्चा भोजन करने के कारण शरीर की पूरा ढांचा जो है वो खराब हो जाती है और लीवर का पूरा सत्यानाश हो जाता है। इसीलिए कच्चा पका भोजन बिल्कुल ना करें, अच्छा भोजन पकाकर खाएं। दोस्तों, सवाल नंबर 2, बार बार पेशाब करने लगे तो तुरंत क्या करना चाहिए। दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा कि ऐसी जानकारी डायरेक्ट मिले। दोस्तों, इसका सही आंसर है जब बार बार पेशाब आप लोगों को लगने लगे तो चीनी खाना और ठंडा सामान खाना रोक देना चाहिए कुछ दिनों के लिए। ऐसे जो है आपका बार बार पेशाब जो लगना है वो बंद और अच्छा हो जाएगा। सवाल नंबर 3, दही खाने से किस चीज़ की सफाई होती है। दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि आप लोगों के पास जानकारी मिले। दोस्तों, इसका सही आंसर है दही खाने से पेट की पूरी गंदगी और कंकड़ पत्थर गलकर बाहर निकल जाता है। इसीलिए दही साल में 200 दिन बार खाना जरूर चाहिए। दोस्तों, सवाल नंबर 4, 1 महीने में मसाला वाला खिचड़ी कितना बार खाने से पेट की कोई प्रकार की बीमारी नहीं होती है। दोस्तों, इसका सही आंसर है महीना में कम से कम 10 बार खाना चाहिए कि लीवर की पूरा बचाव रहे और जीवन भर स्ट्रांग और टाइट बनकर लीवर रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।